गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज वी आर डूइंग द रिविजन ऑफ चैप्टर 10, दैट इज़ नेचुरल डिजास्टर. सो टूडे वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक, सब टॉपिक दैट इज सुनामी. सो वॉट इज सुनामी? द ऑकरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक और अ वॉल्केनिक इरप्शन अंडर द सी कैन क्रिएट ह्यूज सी वेव्स. जब सी के अंदर कोई अर्थक्वेक आता है या कोई वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वॉल्केनो वहाँ से निकलना को होता है, देन उससे सी वेव्स में ह्यूज बहुत ऊँचा उठता है, चेंजेस आते हैं. दिस इज़ नोन एज सुनामी. सुनामी सी ट्रेवल वेव्स कैन ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 750 किलोमीटर पर आवर. ये 750 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है नियर द कोस्ट, कोस्टल एरिया में. और सुनामी वेव लुक्स लाइक अ वॉल ऑफ वाटर कमिंग टुवर्ड्स द कोस्ट विथ ग्रेट स्पीड. ये कैसा दिखता है? ऐसे लगता है कि जैसे कोई पानी की दीवार जैसी उठ के आ रही हो. अ सुनामी कैन लिफ्ट बोट्स एंड थ्रो देम ऑन लैंड नियर द कोस्ट. ये बोट्स को उठा करके फेंक देता है. एंड मोस्ट ऑफ द लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ ड्यू टू ड्रॉइंग. इट इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव. वी कैन टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस ड्यूरिंग और आफ्टर अ सुनामी. हम क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? मूव क्विकली टूवर्ड्स हायर ग्राउंड्स. हमें बहुत जल्दी ही जो ऊँचे प्लेस हैं वहाँ चले जाना चाहिए. डू नॉट एंटर द सी इफ़ द वॉटर इज़ रिसीडिंग क्विकली. हमें सी के एरिया में नहीं जाना चाहिए जब पानी रिसीड कर रही हो, कम हो रही हो, वापस जा रही हो. नेक्स्ट, इंस्टॉल एन इफेक्टिव सुनामी वार्निंग सिस्टम. हमें एक जो कोस्टल एरिया के लोगों हैं या गवर्नमेंट को सुनामी वार्निंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहिए. यहाँ पे आप देख सकते हो द पिक्चर ऑफ सुनामी वेव्स इज गिवन. नाउ चेक पॉइंट इज गिवन. टेक द करेक्ट ऑप्शन. द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी और कॉस्मोलॉजी. इट इज सिस्मोलॉजी. अ ड्रॉट इज कॉज ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर और मिल्क वाटर. सुनामी वेव्स ट्रेवल वेरी फास्ट और वेरी स्लो. इट ट्रेवल्स वेरी फास्ट. नाउ द लास्ट natural disaster which is given in your chapter is cyclone. The wind in a cyclone blow at a very high speed. Cyclone can cause very heavy rainfall. So what cyclone cause? It cause very heavy rainfall which is highly destructive to life and property in India. Cyclone comes from the Bay of Bengal. So in India, where cyclone comes from? Bay of Bengal. And strike against the eastern coast of India. ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया को स्ट्राइक करता है, क्योंकि जो बे ऑफ बंगाल है वो हमारे इंडिया के ईस्ट पार्ट में. वार्निंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ साइक्लोन आर गिवन थ्रू रेडियो एंड टेलीविजन. ये टाइम टू टाइम साइक्लोन के बारे में बताया जाता है ऑन रेडियो एंड टेलीविजन. वी शुड टेक द प्रिकॉशंस ड्यूरिंग एंड आफ्टर साइक्लोन. साइक्लोन के टाइम पे एंड उसके बाद क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? लिसन टू वेदर रिपोर्ट्स ऑन रेडियो एंड टेलीविजन. रेडियो और टेलीविजन पे वेदर रिपोर्ट सुनते रहना चाहिए. मूव टू अ सेफर प्लेस बिफोर द साइक्लोन रीचेज योर एरिया. सेफर प्लेस पे चले जाए साइक्लोन आने के पहले. स्टोर एनफ फूड इन वाटर प्रूफ बैग्स. वाटर प्रूफ वो बैग जिसमें कोई चीज़ें भींगे ना, उसमें हमें फूड को स्टोर करना चाहिए. अवॉइड फ्लड वाटर एंड बी केयरफुल अबाउट स्नैक्स. हमें स्नेक से एंड फ्लड वाटर से केयरफुल रहना चाहिए. आफ्टर द साइक्लोन ड्राई द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज. जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है उन्हें सुखा देना चाहिए, क्योंकि वो साइक्लोन से, बारिश के पानी से भींग सकते हैं. डू नॉट गो नियर द सी कोस्ट एट द टाइम ऑफ साइक्लोन. साइक्लोन के टाइम पे हमें सी कोस्ट पे नहीं जाना चाहिए. सो वी हैव डन दिस चैप्टर. न्यू टर्म इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो प्लीज रीड दीज टर्म्स. Disaster, what is drought? One line answer, one sentence answer is given here. You can write one sentence answer from new terms. Drought, cyclone, typhoon, seismology and landslide. So, आप सब ने तो बाकी चीज़ पढ़ा होगा. What is typhoon? Violent storm which with very strong wind. बहुत strong wind के साथ violent storm जब आए, आंधी तूफान, that is typhoon. लैंडस्लाइड, लूज रॉक्स एंड मड विच फ्लो डाउन द स्लोप ऑफ माउंटेन. माउंटेन से जो लूज रॉक्स, जो
हल्के से जो होते हैं, लूज होते हैं, वो रॉक्स और मड जब फ्लो होके नीचे आ जाए तो उसको हम लैंडस्लाइड कहते हैं। नाउ कम टू एक्सरसाइजेस पार्ट ए, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। नेचर इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑन द अर्थ। Yes, true. All part of India experiences flood during the rainy season. False. No. सारे पार्ट में एक टाइम पे रेनी सीजन नहीं होता। In India, most cyclone come from the Bay of Bengal. Yes, it is true. The study of earthquake is called seismograph. No, it is seismology. So it is false. Take the correct option. Which state in India is prone to drought? Assam, West Bengal, Kerala or Rajasthan? Rajasthan. Cyclone are always associated with heavy rainfall, tsunami, landslide, earthquake. So it is associated with किससे एसोसिएटेड है साइक्लोन? हैवी रेनफॉल से। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक इज फेल्ट नियर द, कहाँ पे हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ फेल्ट करते हैं? नियर द एपी सेंटर। ड्रिप इरीगेशन इज यूज फॉर सेविंग वॉट, क्या सेव करने के लिए ड्रिप इरीगेशन है? वाटर, सॉयल, क्रॉप्स, लैंड, इट इज वॉटर। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। नेचुरल डिजास्टर कैन कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ह्यूमन लाइफ को, प्रॉपर्टी दोनों को ये डैमेज करता है। शॉर्टेज ऑफ वाटर कैन बी सॉल्व बाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग। द इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। टू प्रिवेंट अ ड्रॉट वी शुड एनकरेज द सिस्टम ऑफ वॉट? ड्रिप फार्मिंग। सूखा को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ड्रिप फार्मिंग को यूज करना चाहिए। नाउ सेक्शन डी, दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर वन, दैट इज द नेम द मेन टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर। द मेन टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर आर फ्लड, सुनामी, लैंडस्लाइड, साइक्लोन, अर्थक्वेक, ड्रॉट एक्सेट्रा। वॉट आर द मेन रीजन फॉर फ्लड? फ्लड के लिए क्या रीजन है, क्या कारण है? द मेन रीजन फॉर द फ्लड्स आर हैवी रेनफॉल। मेन रीजन हैवी रेनफॉल है, बट इसके साथ साथ फ्लड कॉज्ड बाय साइक्लोन, साइक्लोन आने से बारिश होती है, बारिश की वजह से भी फ्लड आ जाते हैं, सुनामी की वजह से भी फ्लड आ जाता है जो कोस्टल एरिया है, एंड क्विक मेल्टिंग ऑफ स्नो, जब स्नो बहुत जल्दी, क्विक मतलब जल्दी मेल्ट होने लगे तो उससे भी सुनामी आ जाती है। नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन द फोकस एंड एपिसेंटर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के टर्म में हमें फोकस और एपिसेंटर को बताना है। फोकस इज व्हाट? द प्लेस फ्रॉम वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट कॉल्ड फोकस। वो प्लेस जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, शुरू होता है, उसको हम फोकस कहते हैं। और एपिसेंटर क्या है? द प्लेस अबव द फोकस, और फोकस के ऊपर, फोकस नीचे होता है, फोकस के ऊपर, ऑन द अबव, ऑन फोकस ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एपिसेंटर। फोकस के ऊपर के प्लेस को हम एपिसेंटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज अ सुनामी? सुनामी इज अ वोल्केनिक इरप्शन विच क्रिएट ह्यूज सी वेव्स अंडर द सी। सुनामी क्या है? एक वोल्केनिक इरप्शन है जो क्या करता है? सी वेव्स, ह्यूज सी वेव्स, बहुत ऊंचे ऊंचे वेव्स लाता है अंडर सी। आंसर दीज क्वेश्चन पार्ट ए। What precautions are essential during and after an earthquake? क्या क्या हमें precautions लेना है earthquake के time पे या उसके बाद? Come out of your houses and school building, हमें बाहर आ जाना है। Remain close to the wall to protect our head, हमें walls के नज़दीक रहना अपने head को protect करने के लिए। Do not use lift after an earthquake, earthquake के बाद हमें lift नहीं use करना है। Do not sit inside a car or bus, earthquake के time में किसी भी car और bus के अंदर नहीं बैठना। How can we reduce the impact of drought? अब drought को कैसे, इसके impact को हम reduce करेंगे? Learn to save and conserve water. सूखा पड़ जाए, बाहर पानी ना रहे, इसके लिए हमको क्या करना है? पहले ही water को save करना है, उसके बारे में learn करना है। Install rain water harvesting system. घर पे या किसी भी building में हमें rain water harvest करने का जो system होता है, बारिश के पानी को जमा करने का, उसे install करना चाहिए। Save water. Water save करने की प्रवृत्ति हमें होनी चाहिए। Plant more and more trees to conserve water. प्लांट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को, ताकि हम पानी कंजर्व कर सकते। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ ड्यूरिंग और आफ्टर साइक्लोन? साइक्लोन आने के बाद हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें?
मूव टू अ सेफर प्लेस, जो सेफ जगह है जहाँ पे साइक्लोन नहीं आना है वहाँ पे चले जाना चाहिए. अवॉइड फ्लड वाटर को अवॉइड करना चाहिए. बी केयरफुल अबाउट स्नेक्स से केयरफुल होना चाहिए. आफ्टर द साइक्लोन्स ड्राई द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस. साइक्लोन ख़त्म होने के बाद जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, हो सकता है वो बारिश के पानी से भींग जाए, उसको सुखा लेना चाहिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन साइक्लोन एंड सुनामी. सुनामी और साइक्लोन में क्या डिफरेंस है? सुनामी सी वेव्स ट्रेवल एट ए वेरी हाई स्पीड. ये कहाँ आता है? ये सी में आता है और ये बहुत हाई स्पीड से ट्रेवल करता है. विंड इन साइक्लोन ब्लो एट ए वेरी हाई स्पीड. और इसमें वेव्स ट्रेवल करते हैं, सी वेव्स, और इसमें क्या ट्रेवल करता है? हवा ट्रेवल करता है वेरी हाई स्पीड. स्पीड दोनों में बहुत तेज होती है, बट यहाँ पे वेव्स की सी जो पानी की लहर होती है उसकी स्पीड बहुत तेज होती है, और यहाँ पे हवा की स्पीड बहुत तेज होती है. सो होप यू विल यू हैव ऑल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आंसर ऑल्सो. सो प्लीज़ लर्न ऑल दिस क्वेश्चन एंड राइट इट इन योर फेयर नोटबुक.